जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोटवारों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए दो सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर उज्जैन जिले के कोटवारों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। यहां बृहस्पति भवन में नारेबाजी कर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कोटवार संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरिओम बोडाना ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका आंदोलन प्रदेश संगठन के आह्वान पर है। दो सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। पहली मांग है जो भूमि उन्हें सेवा कार्य के लिए दी गई है उसका उन्हें स्वामित्व बनाया जाए। दूसरी मांग यह है कि उन्हें नियमित कर कलेक्ट्रेट के अनुसार वेतन भी दिया जाए। दरअसल कोटवारों को वर्तमान में 4,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। इसके साथ ही उनकी दी गई भूमि को नाजुल घोषित किया जा रहा है। जिन कोटवारों के पास भूमि है उन्हें तो केवल 400 रुपये प्रति माह ही वेतन मिल रहा है। के आह्वान पर सर हमारी मुख्य दो मांगे हैं सर। एक तो कोटवारों को शासकीय नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए और कलेक्टर रेट पे वेतन दिया जाए, और दूसरी मांग सर हमारी जिन कोटवारों को सेवा भूमि दी गई है उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। ये मुख्य दो मांगे हैं हमारे। अभी जो कोटवारा जमीन है वो किस स्थिति में मतलब जो मिली है? उन पे भी सर क्या है कि अभी शासन ने कुछ आदेश ऐसे करे हैं कि भूमियों पे पीढ़ी दर पीढ़ी कोटवारों के नाम दर्ज थे, उस पर से शासन ने अभी उनके नाम हटाकर उसको नजूल घोषित किया जा रहा है। तो हमारी मुख्य मांगे यही है सर कि एक तो नियमितीकरण किया जाए और दूसरा हमें वेतन वेतनमान कितना है अभी आप लोग? वेतनमान जमीन वालों को 400 रुपये सर और बिना जमीन वाले को मात्र 4,000। कलेक्टर से भी मांग कर रहे हैं? हाँ, उससे भी कम सर। 4,000 में कैसे परिवार का पालन पोषण करे सर?